Hi guys, good morning. It's not good morning actually. तो basically time अगर आप देख सकते हो it is 1:51 दिन के 2 बज गए हैं. But I think ऐसे ही होती है international students की life. और इस वक्त मेरी band बजी हुई है. You can see मतलब मेरा खाना भी ऐसी plate खाली रखी है. मैं उठ गई थी but उसके बाद मैं खा पी कर ऐसे ही फिर सो गई. ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है. हम टेकिंग द मेडिसिन. तो विद दिस शुरू करते हैं आज का व्लॉग. हेक्टिक डे मैन. ओके लेट मी गेट अप. So hi guys, welcome back to my YouTube channel Me Daily in Canada. So of course now you all know मैं भी जस्ट सोकर उठी हूँ. मेरा हेड बहुत दर्द हो रहा है. इट सक्स. लाइक मैं लिटरली आज अपने फोन कॉल पे मम्मा को यही कह रही थी कि जब यू नो आपको ऐसे शिफ्टिंग करनी हो आपकी तबीयत खराब हो. लाइक मेरा गला नोज आर चॉक्ड प्लस गर्ल्स प्रॉब्लम. आई एम ऑन पीरियड्स. सो लाइफ ऐसे लगती है कि यार मैं यहाँ पर साला क्या कर रही हूँ. खुद ही सब करना है, खुद ही मरना है, उसके बाद कल परसों जॉब पे जाना है. मैं कैसे करूँ, मेरे से नहीं हो रहा है. तो या तो ये होता है यार कोई बंदा हो साथ में जो ये सारा काम तुम्हारा करके दे, या फिर भाई नहीं. मम्मी वॉज लाइक देख तेरे पास दो ऑप्शन है, शादी कर ले या वापस आ जा. एंड फोन रखते रखते शी वॉज लाइक गिव इट अ थॉट. सो ठीक है भाई, मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी, खुद ही कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है. तो अब इस टूटी हालत में हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग. एंड गाइस ऐसा नहीं है, मैंने कुछ पैकिंग करी भी है. मतलब मैंने अपने जो कपड़े हैं वो बड़े वाले सूटकेस भर दिया है. स्टिल बहुत मेसअप है. आई एम गोना शो यू लाइक माय रूम लुक्स लाइक डैम. एंड ये सारा लेट्स डू पैकिंग टुगेदर. सो आई इन दिस वीडियो बेसिकली आई विल शो यू कि व्हाट आर ऑल द ऑप्शंस इफ यू गाइज आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द सिटी. तो आप यू नो हाउ यू कैन डू कॉस्ट सेविंग एंड एवरीथिंग, हाउ इट लुक्स लाइक. And also to let you guys know, in Canada what happens is कि apartments वगैरह के लिए 28 तक होती है. नए घर में आप 1 को ही move कर सकते हो, तो वो 3 दिन काटने. But मेरा owner बहुत अच्छा है, fortunately he is like you can come before, but still 1 night का gap आ जाता है. So he allowed me कि तुम अपना सामान रख दो and then you can come next morning. तो बस मुझे एक रात का जुगाड़ निकालना है अपना. So we'll see how I will work it out on that thing. And yeah, with this, let's start out with the video. So it's like total mess. अभी भी as I said clothes बचे हुए हैं. And मेरे को भी सारा सामान ये वाला भी pack करना है. Not to forget kitchen. Kitchen का सामान भाई बहुत सारा है, वो भी pack करना है. तो उसके लिए अभी मैंने क्या किया है, मेरे पास ये खाली ना जो भी है कार्डबोर्ड पेटी थी. तो इसके अंदर मैं सोच रही हूँ अपने यूटेंसिल्स वगैरह डाल लूँ. एंड या लेट मी शो हाउ इट लुक्स व्हेन यू आर मूविंग आउट इफ यू गाइस कैन सी. सो बेसिकली यहाँ पे सबके बैग्स हैं बिकॉज ऑब्वियसली सामने रूम में जो रहते हैं वो लोग भी मूव आउट करने वाले हैं. सो सबने यही किया है कि सबसे पहले अपने कपड़े पैक कर दिए. वही बात है यार, मम्मी की बिल्कुल ठीक होती है कि जरूरत से ज्यादा सामान मत इकट्ठा करो. अब फालतू का सामान तो नहीं मैं कहूंगी, बट अब ये सारा है, टोस्टर वगैरह भी मैंने लिया हुआ था तो अब वो सारा है. वी नीड टू पैक. सो स्टार्टिंग अप विद द यूटेंसिल्स. तो दिस इज कुकर. कुकर को ऐसे ही करूंगी जैसे इंडिया से आते हुए करते हैं पैक, इसी के अंदर सारे मसाले पा देने मैंने. ओके क्विक कीर्ति, क्विक स्पीड दिखाने का. एक तो यार ये दो बर्तन मेरे ऐसे पड़े, अभी चाय चूय मैंने पी थी साला, वो भी धोने हैं. व्हाट इज दिस साला साला माइनस. मेरे को सीरियसली कई बार ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे आने के बाद ना मेरी जो लैंग्वेज है वो गंदी हो गई है. शाम से लाई थी तेज पत्ता, मम्मी ने कहा था यूज करियो. ये एक साल से तो मेरे ख्याल से ऐसे ही पड़े हैं मेरे घर में.
बेस्ट बिफोर 2025 जून है अभी तक। इसलिए कहते हैं बाबू भैया दूध के ढोल सुहाने, जब ये सारा काम अकेले खुद करना पड़ता है ना तब पता लगता है वैल्यू उस घर की जो हम छोड़ के आए हैं। नॉट डीमोटिवेटिंग एनीवन, बट मेरे को तो यार ऐसे ही लगता है जब ऐसा कुछ करना पड़ता है ना, मेरी तो बैंड बच जाती है। कुकर बंद ही नहीं हो रहा, मैंने इतना भर दिया। अब हम इसको फिट करेंगे अपनी पेटी में। इसके अंदर से मैंने कुछ कुछ सामान डाला है, जैसे कि मेरा वो पैन जो आप सब अच्छे से पता है इंडिया से ही मैं लाई थी, और मेरा पॉट। सो गाइस फॉर शिफ्टिंग ऑनेस्टली आई हैव लाइक 2-3 आइडियाज इन माय माइंड। यू हॉल, सो बेसिकली यू हॉल ना यहाँ पर बहुत फेमस है। तो यू हॉल क्या होता है कि आपको 1995 आई थिंक इज द प्राइस फॉर एन आवर, तो वो कुछ मिल जाता है आपको जिसको आपको खुद ड्राइव करना होता है, एंड बहुत बड़ा वैंट है। सेकेंड तरीका होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अगर पैसे सेव ही करने हैं तो भाई बस तो पहले अपनी एक अटैची लेकर जाओ, आओ दूसरी अटैची लेकर जाओ, आओ एंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बस में। या फिर एक और बड़ा अच्छा तरीका है, यहाँ पर ना राइड्स हो जाती हैं। सो बेसिकली इफ आई एम मूविंग टू लाइक मेरे को टोरंटो वगैरह जाना है, सो इन दैट केस ऑल्सो व्हाट आई विल डू इज आई विल बुक अ राइड। यू गाइज कैन डू दैट थिंग एज वेल। सो बहुत बार इफ यू नो सर्च तो आपको मिल जाएगी जो आपको शिफ्टिंग में हेल्प करा देगी, एंड देर आर लाइक न्यूमरस व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसके अंदर राइड्स आती रहती है, सो यू कैन जस्ट आस्क अ रैंडम पर्सन। सो राइट नाउ हाउ आई एम गोना मूव इज लाइक आई हैव माय फ्रेंड, उसके पास गाड़ी है, सो आई आस्क्ड हिम एंड ही विल बी हेल्पिंग मी टू डू दैट। तो उसकी गाड़ी में सामान धीरे 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 करके चला जाएगा, 2-3 चक्कर जो भी होंगे, सो यू कैन डू दैट एज वेल। सो दीज आर सम टिप्स, नॉट टिप्स बट लाइक दीज आर सम वेज टू शिफ्ट राइट। हाँ इतना ऊल जुलूल का सामान है ना, मतलब देख लो तुम ही देख लो, ओट्स रखे हुए हैं मैंने इसके अंदर। अब मन तो कर रहा है फेंक दो ओट्स, पर ये टम्बलर अच्छा है, ये मेरे को मार्क में मिला था व्हेन आई वाज लिविंग इन लंदन। आफ्टर स्पेंडिंग लाइक 15 मिनट्स कुछ ऐसे से पेटी तैयार हुई है मेरी, तो मैंने ना ऐसे हर एक अपने बॉटल वगैरह में पैकेट्स फोल्ड करके रख दिए हैं, एंड विद दिस मेरे सारे यूटेंसिल्स अब आ गए हैं। सो फाइनली किचन का सॉर्ट हो गया है, एंड इट इज 3:32 राइट नाउ। आधे घंटे की और नैप ले चुकी हूँ मैं, नैप नहीं 15 मिनट की नैप एंड 15 मिनट रील्स एंड वॉट एवर। सो नाउ आई एम गोना पैक माई मेकअप स्टफ। सो गाइज इफ यू रिमेंबर आई गॉट दिस बैग फ्रॉम इंडिया, एंड ये अभी भी मेरे साथ है। यस पैकिंग मेकअप। लव दिस मेकअप किट, लाइक लिटरली मेरा जो इस पाउच में सामान था वो सारा इसके अंदर, एक ट्यूब बची क्योंकि उसका कैप नहीं है तो मैं नहीं रखूंगी, वो सारा यहाँ पर आ चुका है। एंड अभी भी मेरे पास ये जिप्स एंड ये साइड पॉकेट्स जो हैं ये है अवेलेबल इफ हैव टू स्टोर समथिंग एल्स। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मेकअप बैग, इट्स सो ईजी टू कैरी एंड इट स्टोर्स सो मच। एनी विच वेज इफ यू गाइज वांट टू बाय दिस आई विल मेक श्योर कि मैं इसका इंडियन एज वेल एज कैनेडियन लिंक जरूर अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो नाउ वी आर लाइक यू नो द रूममेट हु वाज लिविंग इन दिस रूम वाज आल्सो पैकिंग, एंड नाउ इट इज लाइक सो फ्रीकिंग मेस, लाइक सीरियसली एंड ऑल स्टफ इज लाइक यू नो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर स्टफ इज नॉट गेटिंग मिक्स्ड विद दैट, एंड नाउ विद पैकिंग I am feeling super super duper hungry, and this I am making Maggi for me. Cheers. So हमारे पास सारी पेटियां आ चुकी हैं, नौ कार्डबोर्ड बॉक्सेस खाली खाली,
तो मैंने एक्चुअली 2 पैक भी कर दी मीनवाइल। Packing everything. See what I got. I got it from Ottawa. So bags and boxes जो हैं वो एक बारी में आ गए हैं। तो basically अब मेरे पास सिर्फ ऊपर 2 बॉक्स एंड एक छोटा हैंड बैग बचा है जिसको मैंने अभी पैक करना है एंड या देन विल बी गुड टू गो। गाइस सो मैंने कल सारी शिफ्टिंग वगैरह कर ली थी। राइट नाउ ये वाला शूट नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ टायर्ड आई एम, क्योंकि मैं भी अपार्टमेंट में रह रही थी। तो यूजुअली हर अपार्टमेंट में नहीं होता है, बट जिस कंपनी से मैंने ये लीज ली थी तो वो सो फ्रस्ट्रेटिंग। लाइक वी हैव टू लाइक क्लीन एवरीथिंग बिफोर गोइंग, लाइक स्क्रब एवरीथिंग, एंड वो सो प्रिटी हेक्टिक। एंड अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ जाएंगे तो इट दे विल चार्ज लाइक 200 क्लीनिंग फी, विच इज वे टू मच। सो इसीलिए रात को फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, वो इज क्लीनिंग एवरीथिंग एंड नाउ फाइनली आई एम डन। सो मैं ये सारा सामान अपनी न्यू जगह रखकर डायरेक्टली जा रही हूँ टोरोंटो, एंड जो न्यू जगह है दैट आई वोंट बी शोइंग यू टुडे, एंड दिस इज द ओल्ड प्लेस इन विच आई वॉज लिविंग। एंड इफ यू वॉन्ट अ रूम टूर ऑफ द रूम जो मैं अभी जिसमें रहने वाली हूँ एंड हाउ मच इट कॉस्टेड एंड एवरी थिंग, सो यस डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। एंड या दिस वॉज प्रिटी मच इट। इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड माई दिस वीडियो। लाइक बाय बाय एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड एवरी थिंग। I'm seriously tired, so yeah, do like, subscribe, and everything. And with this, let's finally move out from this place.